हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में स्पार्टन टोटल वॉरियर द लीजेंड ऑफ जेल्डा का गेम प्ले करेंगे वीवो V20 डिवाइस के साथ। आज हम इन दोनों गेम्स को इसमें ट्राई करेंगे, तो देखते हैं कि गेम कितना बढ़िया परफॉर्म करेगा इस डिवाइस के साथ। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सेटिंग्स यहाँ से देख लेते हैं। CPU कोर में ये वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। CPU क्लॉक स्पीड 100% पर रखेंगे और ये वाला ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है। ग्राफिक सेटिंग्स में वीडियो बैकएंड में OpenGL है। एस्पेक्ट रेशियो स्ट्रेस टू विंडो फुल स्क्रीन के लिए। इन्हेंसमेंट में इंटरनल रिजोल्यूशन, यहाँ पर मैं HD और फुल HD दोनों पर ट्राई करूँगा इन दोनों गेम्स को। और यहाँ पर ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है, बाकी के ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है। हेक्स में ये सारे ऑप्शन सिलेक्टेड हैं, इस वाले ऑप्शन को छोड़कर GPU टेक्सचर डिकोडिंग, बाकी ये ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है। तो अब गेम को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि गेम इस डिवाइस के साथ कितना बढ़िया परफॉर्म करेगा। इन दोनों गेम्स को मैंने कल ट्राई किया था, HD रिजोल्यूशन और फुल HD रिजोल्यूशन के साथ ट्राई किया था और गेम काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर जाते हैं इस डिवाइस के साथ। यहाँ पर वो ऑप्शन देख लो जो वहाँ से सिलेक्ट किए थे। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन सिलेक्टेड है। CPU क्लॉक स्पीड 100% पर है और ये वाला ऑप्शन डिसलेक्ट है यहाँ पर। तो गेम के अभी स्टार्टिंग फ्रेम रेट 50 FPS। गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये गेम प्ले का टाइम कितना बढ़िया चलेगा। अभी यहाँ पर फ्रेम रेट 30 FPS है। इस गेम के लिए भी मेरे को कमेंट आया था कि इसको इसके पार्ट्स के गेम प्ले बनाओ, लेकिन मैं इसका केवल गेम प्ले करूँगा। पार्ट्स के गेम प्ले के लिए मेरे को आइडिया होना चाहिए कि गेम कैसा है। तो और ये वॉरियर वाला गेम है, ये गोडो पार्क की जैसी इसकी स्टोरी है, किसी बंदे ने कमेंट करके कहा था। तो अभी गेम की वीडियो क्लिप में 50 FPS के आसपास और अभी 35 हो गया है। तो अभी गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। ये गेम अल्ट्रा HD के साथ इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता है जितना HD और फुल HD के साथ परफॉर्म करता है। काफ़ी ये गेम 60 FPS पर रन करता है। अल्ट्रा HD के साथ आपको फ्रेम रेट 30 FPS के आसपास मिलेगी। तो अभी वीडियो क्लिप में 42 FPS के आसपास, अभी 56 हुआ। तो अब गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। फ्रेम रेट यहाँ पर 56 FPS, 57, अभी 60 हो गया था। तो गेम यहाँ पर काफ़ी स्मूथ चल रहा है। ये गेम काफ़ी पुराना गेम है, ये वॉरियर है इस गेम। यहाँ पर एबिलिटी चला लेते हैं। तो गेम दोस्तों अभी यहाँ पर फ्रेम रेट 60 FPS है। गेम में फ्रेम रेट यहाँ पर चेंज हो रही है। जब फर्स्ट बार ट्राई किया था तो 60 FPS के आसपास चल रहा था। इस जगह इस वाले लोकेशन पर आने के बाद गेम काफ़ी बढ़िया चलता है, लेकिन फुल HD के साथ यहाँ पर फ्रेम ड्रॉप होने लग गया था। ये गेम 60 FPS पर रन करता है लाइक गॉड ऑफ वॉर। तो गेम काफ़ी स्मूथ चल रहा है यहाँ पर, काफ़ी फास्ट।
इस गेम में आपको जो सीपीयू क्लॉक स्पीड 100% पर ही रखनी है, क्योंकि अगर आप उसको नीचे करते हो, डाउन करते हो, 60 पर आप कर देते हो तो गेम थोड़ा स्लो चलेगा। 50 FPS के आसपास आपको फ्रेम रेट मिल सकती है, 45। अभी गेम यहाँ पर 60 FPS पर परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी स्मूथ है। दोस्तों अभी इसको फुल एच डी पर ट्राई कर लेते हैं, इसी जगह से ट्राई करेंगे। यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं। तो रिजोल्यूशन मैंने यहाँ पर फुल एच डी पर सेट कर दिया है। यहाँ पर अभी फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, जब भी यहाँ पर ब्लास्ट होता है तो फ्रेम ड्रॉप होता है। तो गेम की जो दोस्तों अभी फ्रेम रेट है वो 40, 44, 58 FPS के आसपास है। अभी गेम यहाँ पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन गेम यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। फुल एच डी के साथ आपको फ्रेम रेट थोड़ी सी स्लो मिलेगी। मैंने पहले भी ट्राई किया था, तब भी सेम ऐसा ही चल रहा था। गेम अभी यहाँ पर 57 FPS, कभी कभार 60 FPS पर जा रहा है और 51 FPS के आसपास भी जा रहा है। इस जगह पर आप जब भी आते हो तो यहाँ पर फ्रेम रेट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, 45 FPS के आसपास। अभी आप देख सकते हो गेम यहाँ पर स्लो हो गया। तो गेम के अभी यहाँ पर फ्रेम रेट 60 FPS है इस लोकेशन पर, वापस चेंज हो गया 60 FPS। तो इस गेम का आपको आइडिया हो गया कि ये गेम HD और फुल HD रेजोल्यूशन पर कैसा परफॉर्म करेगा। तो अभी यहाँ पर दूसरा गेम स्टार्ट कर लेते हैं। सेटिंग्स, इसकी सेटिंग्स हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। रिजोल्यूशन पहले HD पर रखेंगे। और इस गेम की जो स्टोरी है काफ़ी मतलब 3D क्वालिटी में है ये गेम। तो गेम की अभी स्टार्टिंग फ्रेम रेट 30 FPS है स्टार्ट मेन्यू में। तो अब गेम को स्टार्ट कर लेते हैं और गेम प्ले का टाइम देखेंगे कि कैसा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अभी गेम स्टार्ट हो चुका है और फ्रेम रेट यहाँ पर 30 FPS है, एकदम स्मूथ। और यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो कुछ भी मतलब बोलते नहीं है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ आता है उसी को पढ़कर समझना होता है गेम को। और ये गेम काफ़ी मतलब छोटे लेवल का गेम है, लीजेंड ऑफ जेल्डा। इसके काफ़ी सारे गेम्स हैं जो कि मैंने नहीं खेले, लेकिन ये फर्स्ट बार इस गेम को ट्राई कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया इस गेम को। तो गेम अभी यहाँ पर 30 FPS पर चल रहा है, काफ़ी स्मूथ है। और ये जो नीला यहाँ पर सी है ब्लू कलर का, ये पूरा ऐसा लगता है कि आसमान में है हम।
यहाँ पर हल्का सा फ्रेम ड्रॉप हुआ और वॉइस लैग हुई। इस गेम में कभी कभार फ्रेम ड्रॉप भी होता है, जो कि गेम में हर बार कोई से भी गेम में हो सकता है। वापस ये ऐसे निकल जाएगा। फुल एच डी रिजोल्यूशन के साथ ये गेम में थोड़ा सा स्लो चलेगा, कभी कभार किसी किसी लोकेशन पर स्लो चलेगा, बाकी गेम काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। गेम अभी 30 FPS पर चल रहा है। यहाँ पर ये कुछ बातें कर रहा है। इस गेम में जो ये कैरेक्टर है इसका नाम भी अनिल है, और पता नहीं कि इस गेम में ऐसा नाम क्यों रखा गया है। ये तो केवल इंडियन नेम ही है, जो कि अनिल मेरा नाम है। और गेम की जो ग्राफिक्स है वो भी काफ़ी 3D ग्राफिक्स है। अभी गेम यहाँ पर 30 FPS पर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर हीरोज क्लॉथ मिल गई है, हीरो की क्लॉथ। ये इसके बर्थडे गिफ्ट पर इसको दे रही है। अभी के लिए यहाँ पर 30 FPS और कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। ये स्टार्टिंग में ये गेम काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसकी जो क्लिप होती है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो गेम में भी हल्का सा फ्रेम ड्रॉप हुआ जब ये स्क्रीन वाइट हो गई थी। तो अभी यहाँ पर इसका रिजोल्यूशन चेंज कर लेते हैं, फुल एच डी पर ट्राई करते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सेव चेक पॉइंट से चलाऊंगा। तो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। गेम की अभी फ्रेम रेट 30 FPS है। कभी कभार आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा, हल्का सा ये जो फ्रेम ड्रॉप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी गेम स्लो हो गया है फ्रेम ड्रॉप। ये भाई पीछे ही पड़ जाता है मेरा। और गेम अभी 25 FPS के आसपास परफॉर्म कर रहा है। ये कैरेक्टर का नाम अनिल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस गेम को मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है कि कौन सी जगह पर जाना रहता है। तो भी यहाँ पर फ्रेम रेट 30 FPS और 20 FPS के आसपास चल रहा है।
गेम की फ्रेम रेट 30 FPS है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। कभी कभार फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। इसके लेवल मेरे को पता नहीं है कि कहाँ पे जाना रहता है। इसने वापस बुला लिया। फ्रेम रेट यहाँ पर 30 FPS है। इस वाले लोकेशन के अंदर गेम काफ़ी ठीक परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही गेम प्ले करेंगे। अगर इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये गेम इस डिवाइस में कैसा परफॉर्म करेगा, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।